चलो हेडिंग डालेंगे मिश्रित कोडिंग। क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन आएगा आपके सामने, क्वेश्चन लिख लो पहले। यदि हाउ आर यू, यदि हाउ आर यू का मतलब एन डबल ई टी आई एन एफ यू, तथा आर यू देयर इसी प्रश्न का हिस्सा है ये, इंग्लिश मीडियम का लगता है। आर यू देयर का अर्थ टी आई एन एस ई एन डबल ई हो तो नीचे, तो दी गई सूचना के आधार पर, तो दी गई सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दी गई सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर वन, हाउ का कोड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दो, देयर का कोड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीन, आर का कोड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर चार, यू का कोड क्या होगा? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कीजिए। देखो अभी पहली दृष्टि में जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई हाउ का कोड तो है एन डबल ई, आर का कोड है टी आई एन और यू का कोड है एफ यू। ऐसे यहाँ पे आर का कोड है टी आई एन, यू का कोड है एस ई और देयर का कोड हो जाएगा एन डबल ई। लेकिन एक बात बताओ, अगर यहाँ यू का कोड एफ यू है तो यहाँ भी तो यू का कोड एफ यू होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? जैसे यहाँ पे आर का कोड टी आई एन है, यहाँ भी आर का कोड टी आई एन हो रहा है, तो ये तो ठीक है। लेकिन इस तरीके से अगर हम देखें तो यू का कोड तो मैच नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें इसमें अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, आपको डायरेक्ट नहीं रखना है कि पहला, भाई ये जो सेंटेंस है ये तीन वर्डों से मिलके बना है, पहला दूसरा तीसरा। अब तीन शब्द हैं, तीन ही उसके क्या है, कोड दे रखे हैं। ऐसे ही तीन शब्द ये रहे, ऐसे ही तीन कोड ये रहे, लेकिन आप ये नहीं डिसाइड करोगे कि पहला पहले के लिए है, दूसरा दूसरे के लिए है, तीसरा तीसरे के लिए है, पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के। ऐसे नहीं होगा, आपको देखने हैं कॉमन। भाई जैसे अगर मैं इसमें देखूं और इसमें देखूं तो क्या क्या कॉमन है? इसमें क्या रहा, इसमें आर और यू देखो पहले सेंटेंस में भी है, दूसरे सेंटेंस में भी है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, आर और यू को सेम आकृति से कवर कर देंगे। ठीक है, यहां भी ऐसे ही कर देंगे। अब जैसे दो वर्ड कॉमन है, ऐसे ही दो कोड भी कॉमन मिलेंगे तुम्हें जरूर। अब देखो एन डबल ई यहां भी है, एन डबल ई यहां भी है, टी आई एन यहां भी है और टी आई एन यहां भी है। बात क्लियर? कोई डाउट?
सीधा सीधा क्या करना है कि कॉमन वर्ड और कॉमन कोड देखने हैं। जैसे यहाँ पे क्या मिला, आर और यू यहाँ भी है, आर और यू यहाँ भी है। अब जैसे दो वर्ड कॉमन है ऐसे ही दो कोड भी कॉमन होंगे, लेकिन समस्या क्या आएगी, अब जैसे तुमसे आर का कोड पूछा है, अब आर का कोड क्या है, क्यों ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे तो फिर यू का कोड क्या होना चाहिए, एफ यू होना चाहिए, यू का नहीं क्यों होगा भाई, जब तुमने उसका सेम रख दिया तो टी आई एन भी तो कॉमन है दोनों में, कहां लिख रहा है सीक्वेंस में है? आर इसमें बीच में आ रहा है, इसमें पहला है, नहीं ऐसे भी नहीं करना है, सीक्वेंस तो देखना ही नहीं है, सीक्वेंस को तो बिल्कुल इग्नोर करके चलना है, सीक्वेंस का यहाँ पे कोई महत्व नहीं होता। आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं तुमसे देयर का कोड पूछूं तो देयर का कोड क्या आएगा, एस ई आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि भाई पूरे सेंटेंस में एक ही तो शब्द बच रहा है जो कवर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, और यहाँ पे भी तो एक ही कोड है, एस ई नहीं होगा, एफ यू होगा, अच्छा देयर का, ठीक है देयर तो यहाँ है, तो देयर, अब यहाँ पे पूरे सेंटेंस में देयर ही तो कवर नहीं हो रहा और यहाँ पे वर्ड कवर कोड कवर नहीं हो रहा, तो देयर का कोड क्या हो जाएगा, एस ई, तो देयर के लिए हाउ का कोड क्या होगा, एफ यू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हाउ ओपन है, यहाँ एफ यू ओपन है। लेकिन जब बात आएगी आर की, तो आर के लिए हम एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये दोनों एक साथ हैं, तो भाई ये दोनों भी इंटरचेंज हो सकते हैं, दोनों ही लिखे जाएंगे, कैसे लिखे जाएंगे, वो लिखे जाएंगे इस तरीके से, इसमें भी क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि भाई आर के लिए कौन सा है या यू के लिए कौन सा है, ठीक है, हैं? अब जैसे सपोज करो इसी प्रश्न को मैं एक सेंटेंस और बढ़ा देता, क्या बढ़ा देता, मान लो मैं इसे ऐसे कर देता कि यू एंड मी, ठीक है, कोड क्या बना देता मैं, एन डबल ई, एफ डबल ई और के डबल ई। अब मैं तुमसे पूछूं आर का कोड क्या होगा, आर का टिन हो जाएगा और यू का क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, क्यों हो गया, अब क्योंकि हमें यू का अलग से कोड मिल गया भाई, यू इसमें है ना, अब यू इसमें है तो यू, अब यू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन तीनों सेंटेंसों में देखो कॉमन कौन सा है, तो इन तीनों में देखो एन डबल ई इसमें भी आ रहा है, एन डबल ई इसमें भी आ रहा है, एन डबल ई इसमें भी आ रहा है, तो अब यू के लिए हम अलग से डिफाइन कर देते, लेकिन ये थोड़ी ना है अभी हमारे क्वेश्चन का, दूसरा सवाल है सी इज गुड, इस पे रख दो चेयर, बहुत ठंडा है तो, सी इज गुड को लिखा है एक दो पांच, ठीक है, उसके बाद इज ही बैड, इज ही बैड, बहुत ठंडा पानी पिलवा दिया यार, बोलना भी ना जा रहा, पांच सात नौ, और तीसरा है आर वी गुड,
और इसका कोड है 284। आपको बताना है सी का कोड, वी का कोड और वी पैड का कोड। क्या हो गया? देखो सी है, अब सी कहीं और कॉमन तो है नहीं, तो इसका तो पहचान नहीं सकते। फिर क्या आ जाता है? इज आ जाता है। अब इज पहले में भी है, दूसरे में भी है कि नहीं? जैसे पहले और दूसरे में इज कॉमन है, वर्ड है, ऐसे ही पहले और दूसरे में एक कॉमन कोड जरूर आ रहा होगा। पांच भाई, 1 2 7 5 7 9, तो 5 कॉमन है कि नहीं? अब देखो पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है। अब देखो पहले में सी और गुड बच रहा है और दूसरे में ही और बैड है, तो पहले दूसरे के तो खत्म हो गए। अब आ जाओ तो पहले तीसरे पे, तो सी गुड, आर वी गुड, तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? गुड। तो गुड पे क्या बना लें? व्रत बना लें। ठीक है, अब देखो पहले और तीसरे में कॉमन नंबर कितना है? 2 है, तो भाई गुड का कोड कितना आ जाएगा? 2। अब यहां आ रहा है ही बैड, यहां आ रहा है आर वी, अब कोई कॉमन तो मिल नहीं रहा, तो आगे क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ सी, अब देखो सी का कोड पूछ रहा है, तो सी का कोड कितना आएगा? 1। क्यों आएगा? क्योंकि इधर एक ही तो शब्द खाली है और इधर एक ही नंबर खाली है, तो सी का कोड कितना आ गया? 1। वी का कोड कितना आएगा? 8 और 4 नहीं, 8 या 4। क्यों? क्योंकि वी कहां है? यहां है, और इसके साथ एक और है आर, तो आर और वी का ना तो हमें कोड पता है, तो यहां भी नहीं पता हमें आर और वी का क्या होगा, लेकिन होना क्या है? होना इन दोनों में से ही एक है, तो आंसर क्या लग जाएगा हमारा? 8 या 4। वी बैड का बताओ क्या है? ऐसे नहीं होगा, क्योंकि दो दो तो आंसर आएंगे नहीं। अब यहां आपकी मदद करेंगे आपके विकल्प। ठीक है, जैसे मैं अगर विकल्प लिखूं इसके 48 79 36 98, मतलब पहला विकल्प है 48, दूसरा विकल्प है 981, सी का कोड है 36 और डी का कोड है 48। दो बार आ गया, अच्छा दो बार आ गया तो कुछ और होगा, क्योंकि 48 जो कोड बनेगा वो इन दोनों शब्दों का बनेगा। 48 बन जाए या 84 बन जाए, हमें तो ये दो शब्द थोड़ी चाहिए, हमें तो ये दो शब्द चाहिए भाई, यही चाहिए ना। तो एक नंबर तो इस वाले में से उठ के आएगा और एक नंबर इसमें से उठ के आएगा। अब चाहे वो 98 आ जाए, 89 आ जाए, 74 आ जाए या 47 आ जाए। अब देखो चारों ऑप्शन में कौन से हैं? 9। अब देखो चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है? 4 और 8 यानी कि 48। अब जो 48 है वो केवल यहां है भाई, इन दोनों को मिला के ही तो 48 बना सकते हैं, और ये दोनों जो कोड हैं ये किसके हैं? आर और वी के, जबकि हमें किसका चाहिए? वी और बैड का। हमें चाहिए क्या? सीधा सीधा समझो कि एक तो हमें चाहिए यहां से, मतलब एक नंबर तो चाहिए इसमें से, और एक नंबर चाहिए हमें इसमें से, ऊपर वाले में से, तो दोनों एक एक मर्ज करके आएंगे। अब देखो ये 48 है तो नीचे नीचे वाले से बन रहा है, ये 39 है तो ना तो इससे बन रहा है ना इससे बन रहा है, क्योंकि 39 ना तो इसमें है ना इसमें है, 9 तो है लेकिन 3 तो नहीं है ना, जबकि हमें तो दोनों के चाहिए। 36 कोई से में भी नहीं है, 36 तो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अब बचा क्या? 98। तो भाई आप देख रहे होंगे कि भाई एक शब्द क्या है हमारा? बैड है। अब बैड का कोड या तो 7 हो सकता है या 9 हो सकता है, और दूसरा क्या है? वी है। वी का कोड या तो 8 हो सकता है या 4 हो सकता है, तो आप देख रहे होंगे कि बैड के लिए 9 मिल गया और वी के लिए 8 मिल गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 94 सेंटेंस आएंगे। सवाल है इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी,
और इसका कोड है आपका KALA, अलग अलग लिखे हैं KALA HOGA। ए डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। MO और A में तुम्हें अंतर नहीं दिखता क्या यार? इतने भी छोटे नहीं है कि इतनी दूर से भी ना दिखे, जब भी इतनी चश्मा लगा रखा तुमने। फिर चश्मा बेकार है तुम्हारा, चेंज कराओ इसे। लिख लिया। अब इसमें शब्दों को ढूंढो और उनके कोड देखो। जैसे पहला शब्द क्या दिख रहा है, पहले सेंटेंस में पहला शब्द इकोनॉमिक्स, क्या दूसरे सेंटेंस में ऐसा शब्द है? क्या पहले और दूसरे सेंटेंस में इकोनॉमिक्स के अलावा भी कोई शब्द है जो कॉमन हो? भाई इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई, तो पहले और दूसरे सेंटेंस में केवल दो ही तो शब्द ऐसे हैं जो कॉमन है, या तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे है या इकोनॉमिक्स यहाँ पे है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। लेकिन तुम देख रहे होगे कि इकोनॉमिक्स चौथे वाले में भी लिखा हुआ है, तो इसे भी कवर कर लेंगे हम। क्या तीसरे में इकोनॉमिक्स है? अब ये देखो कि पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में और चौथे सेंटेंस में कोड कौन सा कॉमन है, का के ए। तो आप क्या करोगे, के ए और के। मतलब अब चाहो तो देखो इसे आसान बनाने के लिए आप अलग से भी लिख सकते हो कि भाई इकोनॉमिक्स का कोड क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। अब दूसरा, इसी में ही पहले सेंटेंस में ही दूसरा वर्ड पकड़ो, क्या है, इज है। भाई इस सेंटेंस में दूसरा शब्द क्या आ रहा है, इज, क्या कहीं और इज है? अगर नहीं है तो छोड़ दो, बाद में पता चलेगा। तीसरा शब्द पकड़ो, नोट, क्या और कहीं नोट है? नहीं है, ना तो दूसरे में है, ना तीसरे में है, ना चौथे में। नेक्स्ट आ जाओ मनी, क्या और कोई इसे में मनी है? पहले में मनी है और तीसरे में मनी है, तो इसे किसी अलग डायग्राम से चाहे त्रिभुज बना दो इसके ऊपर, ऐसे ऐसे इस पे त्रिभुज बना दो। अब पहले और तीसरे सेंटेंस में कोई कोड भी जरूर कॉमन होगा, और एक ही होगा बस। पहले और तीसरे में मनी के लिए चाहिए ना अब हमें, भाई अब देखो, अब का को यूज नहीं करना हमें, का तो फिक्स हो गया। अब है ला हो गा, इसमें है जेड आई एल ए एन ई के आई, तो देखो तुमने ला यहां भी देखा और ला यहां भी देखा, तो
मनी का कोड क्या हो गया, ठीक है जी। अब आ जाओ, और अब देखो पहले सेंटेंस के खत्म हो गए, अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरे में क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। इसमें क्या है, मेक्स ओनली पार्ट। इसमें क्या है, डिमांड मेक्स सप्लाई। अब समस्या क्या आई कि दूसरे सेंटेंस में और चौथे सेंटेंस में क्या क्या कॉमन है, डिमांड और सप्लाई इसमें भी है, डिमांड और सप्लाई इसमें भी है। अगर दो शब्द कॉमन है तो दो कोड भी कॉमन पाएंगे। अब दोनों को इसे एक ही उससे बनाना आकृति से, जैसे मैं वृत्त बना लेता हूं दोनों पे। अब देखो जैसे दो शब्द कॉमन है वैसे ही दो कोड भी कॉमन होंगे, कौन कौन से में, दूसरे और चौथे में। अब एम ओ टी ए पी ए और जेड आई एम ओ टी ए, तो एम ओ टी ए दिख रहा है तो एक के लिए कोड हो जाएगा एमओ, एक के लिए कोड हो जाएगा टी ए। लेकिन ये नहीं पता कौन से के लिए एमओ है कौन से के लिए टी ए है, क्यों नहीं पता भाई, इस पे भी व्रत है, 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 कौन सा व्रत किसके लिए हमें क्या पता, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो कोड आएगा कॉमन आएंगे वे। अब एमओ और या करके लिख जाएगा उसमें, कि जैसे तुमसे डिमांड का पूछ ले कि भाई डिमांड का कोड बताओ तो तुम क्या कह दोगे, एमओ या टी ए। सप्लाई का पूछ ले तब भी ए ही आएगा। अब और देखो थर्ड और फोर्थ, आप देख रहे होगे मेक्स मेक्स, तीसरे और चौथे मेक्स कोड भी कॉमन। देखो अब ये तीसरा है ये चौथा है, तो ये रहा जेड आई, ठीक है। अब तुम देख रहे होगे कि जो चौथे वाला सेंटेंस है उसके चारों कवर हो गए, जो तीसरे वाला सेंटेंस है उसके दो कवर हुए हैं, जो दूसरे वाला सेंटेंस है उसके तीन कवर हुए हैं। अब तीन अगर कवर हो गए और एक शब्द बच रहा है तो सिंपल सी बात है उसका कोड भी एक ही बच रहा होगा। तो देखो ये जो एंड है इसे मैं डबल अंडरलाइन ऐसे कर देता हूं, तो एंड का कोड क्या होगा, ये हो जाएगा। अब और किसी का नहीं निकाल पाएंगे अब हम, क्यों, क्योंकि अब कॉमन नहीं है कुछ भी। अब तुमसे क्या पूछेगा कि भाई क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, चलो इसका सीधा सीधा आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, मेक्स का कोड बताओ, मेक्स का कोड कितना है, जेड आई, क्योंकि भाई मेक्स का कोड हमने बादल से बना रखा है, बादल का है जेड आई पे। उसके बाद तुमसे पूछ रहा है मनी का कोड बताओ, मनी का कोड कितना है। अब मनी कहाँ है, त्रिभुज के अंदर। अब देखो त्रिभुज के अंदर कौन सा कोड है, ये रे, तो त्रिभुज के अंदर मनी का कोड क्या आ जाएगा, एल ए। उसके बाद पूछ रहा है तुमसे सप्लाई का कोड बताओ, सप्लाई का कोड क्या आएगा। अब सप्लाई किसके अंदर है, गोले के अंदर है। अब गोले के अंदर दो हैं, मो भी है और टा भी है, तो आप सीधा सीधा लिख दो मो या। अब ऑप्शन तुम्हें ऐसे भी मिल सकता है, दोनों सेम है, चाहे या लगा दो चाहे ओब्लिक कर दो, क्योंकि इसमें ऑप्शन में ओब्लिक करके दे रखा है। अगर सपोज करो तुम्हें ऑप्शन दे रखा है इस तरीके से, एक तो ये दे रखा है और एक दे रखा है ये, कोमा लगा के नहीं, फिर भी वही होगा, वही बन जाएगा, वो डिपेंड करेगा फिर विकल्प पे, अगर ये और कोमा है तो फिर ये, क्योंकि दो थोड़ी ना हो जाएंगे कोड एक शब्द के। लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा है ये वाला, ये भी है, तो आंसर क्या करें, ये ही होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना आंसर तो मिल रहा है ना ऑप्शन से तुम्हें। भाई ये ना होता, ये ना होता तो हम, अगर ये ऐसे होता ए एम ओ बी टी ए सी के और डी ए, तब हम इनसे आंसर कर देते निर्धारित नहीं किया। लेकिन अगर ये दे रखा है ना हमें, ऐसे भी दे रखा है और फिर भी ऐसे है, फिर भी आंसर जी। चौथा सवाल क्या है,
डिमांड ओनली मोर, ओनली भी ना है शायद, है पर उसका कोड तो नहीं पता तुम्हें क्या है, ऐसा कैसे लिख दोगे? ये तो सेंटेंस बना दिया ना उसने, अब ये तो सेंटेंस बनाया है उसने कि भाई इसका बताओ। अब देखो इसके ऑप्शन देखो तुम क्या है, पहला ऑप्शन है एक्स आई एन ई, अरे ऑप्शन मैं बता रहा हूं रुक जाओ लड़ो मत, ठीक है? अब सेंटेंस बना के क्या दिया है, डिमांड ओनली मोर, क्या कोई से का मिल रहा है हमें कहीं से? हमें कोई से का भी नहीं मिल रहा वैसे देखा जाए तो। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे हम कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मोर शब्द बाहर से आया है ना, क्योंकि हमारे प्रश्न का हिस्सा मोर नहीं है। अब अगर मोर बाहर से आया है तो कहीं ना कहीं मोर का कोड भी बाहर से ही आया होगा, आया होगा कि नहीं? अब ऐसे ऑप्शन देखो जिनमें बाहर से कोड आ रहा हो, जैसे पहले में क्या है एक्स आई एन ई एम ओ, अब देखो पूरे क्वेश्चन में ना तो एक्स आई है हमारा एन ई एम ओ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है पहला हो जाए। दूसरे में देखो एम ओ जेड आई एन ई, एम ओ एरा जेड आई एरा एन ई एरा, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। के आई एन ई एम ओ, तो ये रहा के आई ये रहा एन ई ये रहा एम ओ, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मोर का कोड बाहर से आएगा, जबकि ये तीनों कोड हमें इससे ही मिल रहे हैं। चौथे में देखो एक्स आई के ए टी ए, तो भाई के ए टी ए ठीक है, एक्स आई भी ठीक है, तो ये भी हो सकता है हमारा आंसर, ठीक है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मोर का जो कोड है वो क्या है, एक्स आई है। क्यों? क्योंकि भाई एक्स आई बाहर से आ रहा है। अब हमें किस किस का चाहिए, डिमांड का और ओनली का। अब देखो डिमांड का है गोले में, अब गोले में कोड कौन से हैं, या तो एम ओ है या टी ए है। अब देखो ये तो हो ही नहीं सकता, अच्छा पांच है ना ऑप्शन हमारे पास, तो एम ओ जेड आई के आई, एम ओ जेड आई के आई, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो बचते हैं वो ये और ये बचते हैं। अब हमें देखना है डिमांड, डिमांड कहाँ है, गोले में, गोले में कोड कौन से है, या तो एम ओ है या टी ए है। तो देखो एम ओ भाई यहाँ भी है और टी ए यहाँ भी है, तो ये भी अभी दोनों मैच हो रहे हैं। अभी क्या चाहिए हमें, ओनली चाहिए, ओनली का कोड क्या है, या तो एन ई होगा या के आई होगा। अब देखो इसमें क्या है, जबकि हमें क्या चाहिए, के आई चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और देखो ये रहा एनी भाई, या तो ये होता या ये होता, तो हमें कौन सा मिल गया, एनी मिल गया। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे वहां आपकी मदद कर देंगे विकल्प, ठीक है। देखो तीन तो वैसे ही खत्म हो गए थे, दो चेक करने थे बस हमें, क्योंकि तीन में तो बाहर का कोड ही यूज नहीं करा उसने, जबकि मोर का कोड बाहर से आता ये वाला। अब देखो इनके जो कोड होंगे ना वो ये दोनों होंगे, लेकिन भाई हमसे प्रश्न में पूछ नहीं रहा तो हम बताएं क्यों। अगर तुमसे पूछ लेता भाई नोट का कोड बताओ, नोट का कोड क्या आएगा, तो तुम कह देते हो या का। इज का पूछ लेता तब भी यही आ जाता, पार्ट का पूछ लेता तब आ जाता ने या की, क्योंकि भाई इनका डिफाइन नहीं हो रहा। जिसका डिफाइन हो गया, सपोज करो तुमसे उसका पूछ लेता इकोनॉमिक्स का,
तो इकोनॉमिक्स का आंसर क्या था? इकोनॉमिक्स का आंसर आ जाता का, क्योंकि लिखा भी था हमने शुरू में, अलग से लिख लिया था ये तो है। हाईवे को ही शिफ्ट करा दो यहां से। बस मैन इन ब्लैक, डॉलर परसेंट इज ब्लैक डायमंड गोल्ड। डायमंड रोज गोल्ड, डायमंड रोज गोल्ड। एट द रेट कॉपीराइट स्टार, इसमें पहचानो पहले सारे अलग अलग। बस और आसान करूं इसे, बन जाएगा है भाई, बन जाएगा। और क्या बच गया? गोल्ड। हैं जी, अब और आसान हो गया ये क्वेश्चन, अब कर दोगे तुम, अब सारे मिल जाएंगे तुम्हें यहां पे मेरे ख्याल से। तो मैन का कोड क्या है? परसेंटेज। कैसे निकाला? नहीं, मैन का परसेंटेज कैसे हो जाएगा? मैन का आएगा, देखो सुनो, मैन इन ब्लैक, ठीक है, मैन इन ब्लैक। दूसरे में क्या है? ब्लैक डायमंड गोल्ड। पहले में ब्लैक है, दूसरे में ब्लैक है। ये कवर किया, ये कवर किया। अब देखो पहले दूसरे में कोड क्या है? प्रतिशत। इन यहां पे भी है और इन यहां पे भी है, ठीक है। तो इन यानी कि पहले और चौथे में देखो कॉमन क्या है। अब डॉलर हैज डॉलर म्यू एट द रेट, तो डॉलर आ रहा है, तो ये डॉलर किसका हो जाएगा? मैन का, और सॉरी इन का। अब मैन बच गया ना, और इधर क्या बच गया? हैज। तो मैन के लिए कोड कौन सा? ठीक है, डायमंड गोल्ड, डायमंड गोल्ड और गोल्ड, दूसरे तीसरे चौथे तीनों में गोल्ड आ रहा है। तो इसे हम कर लेते हैं त्रिभुज से कर लेते हैं। चलो अब यहां क्या है कॉमन? ठीक है जी, डायमंड इसमें भी है, इसमें भी है। गोल्ड तो हो गया, तो डायमंड इसमें भी है, इसमें भी है। इसे बादल से कवर कर लो, है जी। गोल्ड यहां आ गया ना तीसरे में, तीसरे से खत्म हो गया वो। अब डायमंड कौन से? अब देखो कौन से बच रहे हैं? कॉपीराइट ही तो बच रहा है, तो कॉपीराइट इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। यहां रोज बच रहा है, यहां क्या बच रहा है? स्टार। यहां मेटल बच रहा है, यहां क्या बच रहा है? तो जो बच गए वो उन्हीं का कोड है। अब तुमसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैन
डायमंड मेटल का कोड बताओ। तो आप क्या आंसर दोगे कि भाई हैंस और क्या है कॉपीराइट और म्यू। अब इसमें एक ध्यान और रखना है तुम्हें, जरूरी नहीं है ये इसी सीक्वेंस में आए ऑप्शन, ऐसे भी अगर आ जाए ना आपके सामने तब भी सही कर देना है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैन का है ऐसे तो पहले नंबर पे आए, डायमंड का कॉपीराइट है तो दूसरे पे आए, मेटल का म्यू है तो तीसरे। कोड होने चाहिए तीनों, कैसे भी आ सकता है कुछ भी लगते, बस तीनों कोड होने चाहिए किसी भी सीक्वेंस में हो, ठीक है ना। और क्या पूछेगा तुमसे, तुमसे डायरेक्ट पूछ लेगा भाई मेटल का बताओ, तो मेटल का कोड क्या है म्यू हो जाएगा। गोल्ड का बता दो, गोल्ड का कोड बता दो, गोल्ड का कोड क्या हो जाएगा एट द रेट, त्रिभुज के अंदर है ना गोल्ड, ठीक है। आपसे पूछ लेगा रोज का बताओ, तो रोज का कोड क्या आ जाएगा, क्यों भाई यहाँ पे ये अकेला बच रहा है, यहाँ पे ये अकेला बच रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछ लेगा भाई ब्लैक का बता दो, तो ब्लैक कहाँ था चतुर्भुज के अंदर, तो चतुर्भुज के अंदर क्या है परसेंटेज है। आपको पेयर बना के दे देगा भाई मेटल गोल्ड का बता दो, ये बता दो, तो मेटल गोल्ड ये रे देखो मेटल का म्यू हो जाएगा, गोल्ड का एट द रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड करने होते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारी चीजें आपके सामने होती हैं, बस आपको देखनी है, हैं? बस बस बस, कल इस टॉपिक को खत्म कर देंगे हम, मतलब चैप्टर को ही खत्म कर देंगे।